हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, उससे पहले हमें ये मालूम हो कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है तो बेटा, सेल इज ए डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मीन है कि जो सेल है वह एक युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सेल का एक टाइप आपके सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी वह सेल जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। अब विद्युत रासायनिक सेल के एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपका वोल्टियर सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ये सब किस में आते हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और गैल्वेनिक सेल में सबसे पहला जो पॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यानी संरचना और कार्य प्रणाली। गैल्वेनिक सेल की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम आप 11th में भी गैल्वेनिक सेल पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आपने 11th में बनाया होगा। तो इसमें दो बीकर लेते हैं हम, यानी गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट टू बीकर्स, वन एंड सेकेंड। वन बीकर में हम ZnSO4 सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं और अनदर बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। ZnSO4 सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मोलरता है, वो 1m है और इसी प्रकार CuSO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी भी 1 है। क्लियर बच्चों। अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ, हम एक जिंक रोड लेते हैं, जिंक रोड को हम ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। उधर हम एक कॉपर रोड लेते हैं, कॉपर रोड को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो दो बीकर में आपने ZnSO4 सॉल्यूशन फिल किया, जिंक रोड डिप की, CuSO4 सॉल्यूशन फिल किया, कॉपर रोड डिप की, अब ये दो हाफ सेल्स पर क्या बन गए, एक हाफ सेल ये हो गया और अनदर हाफ सेल ये हो गया। हाफ सेल का भी अर्ध सेल, एक अर्ध सेल ये है और दूसरा अर्ध सेल ये। अब क्या करते हैं बेटा, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वायर से, और दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, KCL साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। और जब आप उनको साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ सेल को, हाफ सेल को, साल्ट ब्रिज का मेन लवण से, तो एक कंप्लीट सेल यानी पूर्ण सेल का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो बेटा हम जानते हैं, 11th में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल वो लेसर होता है कॉपर के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जिनका वो कम होता है कॉपर के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से, इसलिए जिंक की जो सक्रियता है, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हायर होती है इसके कंपेयर कॉपर के कंपेयर। ठीक है। अब जब कॉपर के कंपेयर हायर है तो जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो जो जिंक रोड है यहाँ से ZN परमाणु यानी ZN एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, तो ये मैंने ZN2+
लिख दिया, यानी जिन रोड पर जिन की छड़ पर उपस्थित जिन परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Zn2+ में बदल जाते हैं और Zn2+ आयन कहां जाते हैं Zn सपोर्ट रियन में, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं Zn एटम में वो इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू कैथोड पर आ जाते हैं, कहां पर आ जाते हैं कैथोड पर, और वहां पर CuSO4 सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन है वो Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और कॉपर में अपचेन कर लेते हैं। क्लियर? आपको ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बताई और इसका फंक्शन मैंने आपके सामने बताया। अब रिएक्शंस क्या होती है दोनों हाफ सेल्स पे, तो देखिए रिएक्शन एट एनोड, पहले इसकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड और ये रिएक्शन एट एनोड। पहली बात आपको ये समझना है बच्चों कि जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वहां पर अपचयन होता है। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो एनोड पर ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जिंक है, ये आपका सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो Zn2+ एक्वेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। और रिएक्शन एट कैथोड की बात करें, मैं इसी के नीचे लिखता हूं, देखिए रिएक्शन एट कैथोड, अगर रिएक्शन एट कैथोड की बात करें तो वहां CuSO4 सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयंस हैं जो कि एक्वेटिक है वो इन टू इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर सॉलिड, इसमें कन्वर्ट हो गए कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। आगे बच्चे सुनिए, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, अर्ध सेल रिएक्शन है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें तो हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन ऑब्टेंड हो जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, आप देखिए जो एरो के बाईं ओर है उनको बाईं ओर प्लस करना है, जो दाईं ओर है उनको दाईं ओर प्लस करता है, जो एरो के पहले और बाद में कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बाकी बचा आपका Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वेटिक इज इक्वल टू Zn2+ एक्वेटिक प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन आपके सामने आ, देखा बच्चों दोबारा से मैं इसको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, दो बीकर है, एक बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन 1m, दूसरे में CuSO4 सॉल्यूशन 1m, हमने ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn की रोड को डिप कर दिया और CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर की रोड को डिप कर दिया, दोनों हाफ सेल्स को दोनों अर्थ सेल्स को साल्ट ब्रिज KCl साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और KCl साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करते हैं और करंट का फ्लो करते हैं। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो जिंक रोड पर जो Zn एटम है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Zn2+ में कन्वर्ट होते हैं और वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं ZnSO4 में, और इलेक्ट्रॉन इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू चालक तार के थ्रू कहाँ पर आ जाता है कैथोड पर, और वहाँ CuSO4 विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन, ये आपके Cu2+ आयन से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और कॉपर सॉलिड में अपचयित हो जाते हैं और यहाँ पर वो जमा हो जाते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं कॉपर सॉलिड, हो गया। और मैंने कहा था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो एनोड होगा, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके जाएंगे वो एनोड के तरफ
कार्य करेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे गेन किए जाएंगे वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, फिर मैंने एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो रिडक्शन यानी अपचयन रिएक्शन होगी। तो जिंक सॉलिड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, फिर रिएक्शन एट कैथोड, सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयंस है वो N2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें रिएक्शंस को, दोनों हाफ सेल्स रिएक्शंस को प्लस कर दें तो कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा। Zn सॉलिड प्लस Cu2+ इज इक्वल टू Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये मैंने बात की बेटा आपके सामने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो साल्ट ब्रिज है वो साल्ट ब्रिज क्या वर्क करता है, साल्ट ब्रिज होता क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ साल्ट ब्रिज की। तो बेटा साल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं, ध्यान दें, एक ग्लास की यू शेप्ड, ग्लास की यू शेप्ड हम एक ट्यूब लेते हैं, नली लेते हैं, कांच की एक नली लेते हैं जिसकी संरचना कैसी है, यू से यू आकार। ठीक है, उसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक दैट KCl, KNO3, NH4, NO3 इनका जिलेटिन और एगार एगार में पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को हम इस कांच की यू आकार की ट्यूब में फिल कर देते हैं, ग्लास की यू आकार की ट्यूब में इसको फिल कर देते हैं, और दोनों एंड्स पर जो ग्लास की ट्यूब है उसके दोनों एंड्स पर कॉटन प्लग कर देते हैं यानी रुई लगा देते हैं। ठीक है, और इसको इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशन में दोनों एंड्स को डिप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, ये तो मैं साल्ट ब्रिज कैसे बनाते मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के कार्य क्या है। तो बेटा जब आप दोनों हाफ सेल्स को, दोनों अर्ध सेल को साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु से जोड़ देते हैं तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी सेल का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लवण सेतु साल्ट ब्रिज सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है और सेल में न्यूट्रलिटी यानी उदासीनता को बनाए रखता है। अब कैसे बनाएगा उदासीनता वो देखिए। अब यहाँ से Zn एटम ने इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ आयंस बनाए, वो कहाँ पर आ गए, सॉल्यूशन में। तो आप बताइए सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस की जो कंसेंट्रेशन है सांद्रता वो बढ़ जाएगी, और उस सांद्रता को उदासीन करने के लिए इस अतिरिक्त बने हुए एक्स्ट्रा बने हुए Zn2+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये KCl साल्ट ब्रिज जो आपका है ये सफिशियंट नंबर में Cl- आयन सफिशियंट नंबर में Cl- आयन रिलीज करते हैं। तो ये Cl- आयन Zn2+ आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्लियर। और ऐसे ही जब CuSO4 सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन रिड्यूस होकर कॉपर में रिड्यूस होंगे, अपचयित होंगे, तो CuSO4 सॉल्यूशन में Cu2+ आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी SO4-2 आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी, और SO4-2- आयंस की सांद्रता को उदासीन करने के लिए ये जो KCl साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है, वो सफिशिएंट नंबर में K+ सफिशिएंट नंबर में K+ आयंस को रिलीज करता है। तो ये K+ आयंस क्या करेंगे, जो SO4-2 आयंस है जिसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो सेकेंड फंक्शन लवण सेतु साल्ट ब्रिज का आपको पता चल गया। दूसरा कार्य क्या है, पहला सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो मैंने आपको बताया कि सेल में न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और तीसरा फंक्शन दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, रोक देता है। ठीक है, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि जो गैल्वेनिक सेल अभी आप पढ़ भी चुके हैं, उस गैल्वेनिक सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है,
वो एनोड से कैथोड के होता है, यानी माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और जो करंट का फ्लो है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है, यानी प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है, और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अपने दिमाग में सेट करना है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उनमें बेटा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको अपने माइंड में सेटअप करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। तो बेटा ध्यान रखें, पहले रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है और बाद में रिडक्शन होता है, पहले ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है बाद में अपचयन अभिक्रिया होती है, इसलिए पहले एनोड को प्रदर्शित किया जाएगा बाद में कैथोड को प्रदर्शित किया जाएगा। एनोड में एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, त्यागे जाते हैं और वो इसमें कन्वर्ट होते हैं आयंस में। तो पहले एटम को लिखा है, तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यानी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने के तरीके में, पहले एनोड को प्रदर्शित करना है, एनोड को रिप्रेजेंट करना है। तो एनोड में सबसे पहले जिंक एटम लिखना है, जेडन सॉलिड, फिर आपको लिखना है जेडन टू प्लस, ये आपके एक्वेटिक, ठीक है। अब जेडन एटम को जेडन टू प्लस आयंस से सेपरेट करने के लिए इनके बीच में एक वर्टिकल लाइन लगाई जाती है, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है, पहला तो ये। और हम इस वर्टिकल लाइन की जगह सेमी कॉलोन भी यूज में ले सकते हैं, तो जेडन सॉलिड सेमी कॉलोन एक डॉट और एक नीचे कॉमा और यहाँ पे जेडन टू प्लस, जेडन टू प्लस ये कैसे है एक्वल, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेमी कॉलोन का भी समझ गए, एक डॉट और नीचे कॉमा, ये एनोड है। और कैथोड को जब रिप्रेजेंट करेंगे आप बच्चों, तो कैथोड में आपको ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो जो सी यू टू प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके सी यू एटम बना रहे हैं, तो कैथोड रिप्रेजेंट करते समय आपको पहले सी यू टू प्लस एक्वेटिक आयन्स कितने हैं और बाद में सी यू सॉलिड निकला है, पहले आयन बाद में एटम, और इनके बीच में इससे सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से एक खड़ी रेखा के द्वारा इनको पृथक कर देंगे। इसकी जगह हम सेमी कॉलोन यूज में ले सकते हैं, सी यू टू प्लस एक्वेटिक, ये सेमी कॉलोन लगा दिया मैंने और सी यू सॉलिड, ये एनोड है और इधर मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है कैथोड को, तो लेफ्ट साइड किसको रिप्रेजेंट करते हैं एनोड को, राइट साइड कैथोड, ठीक है। अब बेटा जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है जिसको मैंने अपनी डायग्राम में 1 m लिखा था, उसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में मेटल आयन के बाद लिखा जाता है, धातु आयन के बाद लिखा जाता है, कैसे आप देखिए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Zn सॉलिड वर्टिकल लाइन Zn टू प्लस, Zn टू प्लस ये आपके एक्वेटिक है, अब ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1 m, क्लियर, 1 m मेटल आयन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं Zn सॉलिड सेमी कॉलोन Zn टू प्लस एक्वेटिक और यहाँ ब्रैकेट में 1, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैथोड में भी जो CuSO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको भी मेटल आयन Cu2+ आयन्स के बाद में स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप देखिए Cu2+ एक्वेटिक फिर ब्रैकेट में 1 m फिर एक खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन और फिर क्या लिखेंगे Cu सॉल्व, ठीक है, सेमी कॉलम भी लगा सकते हैं Cu2+ एक्वेटिक 1 m फिर सेमी कॉलम और Cu सॉल्व। हमने फर्स्ट में तो सिंपल एनोड कैथोड को रिप्रेजेंट किया, सेकंड में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा ये जो बना ये आपके दो हाफ सेल्स हैं, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, दो हाफ सेल है, ये एनोड और ये कैथोड है। अब मैंने कहा था कि जब दोनों हाफ सेल्स को दोनों इलेक्ट्रोड को आप साल्ट ब्रिज लवण सेतु के द्वारा कनेक्ट करते हैं
तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट सेल्फ। तो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्टिकल लाइंस को यूज में लेते हैं, दो वर्टिकल लाइंस को यूज में लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। तो एनोड क्या है? Zn सॉलिड वर्टिकल लाइन, Zn 2+ एक्वेटिक कंसंट्रेशन कितनी है 1 m, ठीक है। फिर एक दो खड़ी लाइन, टू वर्टिकल लाइंस लगेगी। फिर आपका Cu2+ एक्वेटिक ब्रैकेट में 1 m खड़ी लाइन और Cu सॉलिड। ये आपका क्या बन गया? गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेफ्ट साइड एनोड है, राइट साइड कैथोड, क्लियर। अब मैंने कहा था कि वर्टिकल लाइन की जगह हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, तो Zn सॉलिड ये सेमीकोलन लगा दिया, Zn 2+ एक्वेटिक ब्रैकेट में 1 m लिख दिया, फिर टू वर्टिकल लाइंस, फिर Cu 2+ एक्वेटिक ब्रैकेट में 1 m, फिर सेमीकोलन लगा दिया और Cu सॉलिड। ये दूसरे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए लेफ्ट साइड एनोड को रखते हैं, राइट साइड कैथोड को रखते हैं। दिमाग में सेट हो गया? अगर आपको ये बात सेट हो गई तो आप आसानी से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ओनली गैल्वेनिक सेल का था। अगर कोई अदर सेल आता है तो उस अदर सेल में आपको देखना है कि एनोड और कैथोड किससे फॉर्म्ड है। तो जिससे फॉर्म्ड है उनको आप इनकी जगह लिखिए, पहले एनोड को लिखिए बाद में कैथोड को लिखिए, तो आप इजीली अपना सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में बात करूंगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।